ये मेरे पीछे देखो आप ना, एक व्यक्ति खड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने इस देश को संविधान दिया। ये हमारे पूर्वज थे। आज जो इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का चला रखा था ड्रामा केजरीवाल के स्पीक करने में, देखूंगा केजरीवाल ही बैठा था, इन्होंने जो ड्रामा चला रखा था डिस्क्वालिफिकेशन का, आज ना तो इन्होंने एक सबूत बनाया कि एक भाषण में आपने ऐसे से बोला है, और उसमें आपने कहा कि केजरीवाल चोर है जी, ये है जी, वो है जी, फलाने ढिकड़ा, जो भी कहा हमने, ठीक है, जो सारा देश कहता वो सबको पता है। ना तो इन्होंने उन सीडी की ऑथेंटिसिटी कोई चेक करा जो इन्होंने सीडी दी है कि वो प्रूव करे कि भाई वो एफएसएल हुई है नहीं हुई है। दूसरा, जिस आदमी ने कंप्लेंट करी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो स्पीकर बैठा है अंदर वो पूरा बायस्ड है, और उसको बेचारे को कानून की समझ नहीं है, जबकि कानून के मंदिर में जनता ने तो बिठा दिया उसको, इनको कानून का प्रोसीजर ही नहीं पता। दो बार हमारी हियरिंग हुई है, तीन बार, तीनों बारी में एक बार भी इन लोगों ने हमें अपनी बात नहीं कहने दी, हमें अपनी बात नहीं कहने दी, और मैं तो अपना इस्तीफा दे रहा हूं इनको, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जिस विधानसभा में अगर हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी, 2 अप्रैल की बात करी, और हमने इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनाने की बात करी, तो इनको बहुत बुरा लगा। ये लोग चाहते हैं कि इस विधानसभाओं में कि कोई भी बहुजन समाज का ऐसा आदमी ना आए जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात करे। इसमें सिर्फ वही समाज के लोग आए जो दलाली करते हैं, साले बैठ करके भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समाज की दलाली करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का और विधानसभा स्पीकर बनाने का काम करते हैं। उन्हीं गद्दारों को आज बताना चाहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता साला इस्तीफा, ये अगर कहें ना बाबा साहब के विचारों की वजह से फांसी तोड़ा जाए, हम फांसी टूटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे समाज से। लेकिन ये जो मेरा समाज है ना, साहब काशीराम कहते थे बिकने वाला समाज है, तुम देख लो आज तुम्हारी समाज की आवाज को दबाया जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो विधानसभा दिल्ली के अंदर जब मैं अंदर बोलता हूं तो केजरीवाल का जाडा चढ़ जाता है, केजरीवाल को सर्दी लगने लग जाती है, वो कांपने लग जाता है कि संदीप कौन सी समाज की बात करेगा। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं मंत्री था मैंने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया, इन्होंने कहा था बाबा साहब को पढ़ाएंगे। इनसे पूछो, इन गद्दारों से, बाबा साहब के जो एक गद्दार लोग बैठे हैं, इन्होंने दिखाने के लिए तो यहां स्टैचू लगा रखा है, लेकिन अंदर ये वही गांधी के सपूत हैं जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ थे, जो हमारे लोगों के खिलाफ हैं। तो समझ लो दिल्ली में बहुजन समाज के बहुत सारी संख्या में लोग हैं। अरे तुम लोगों कब समझ में आएगी कि जो समाज का आदमी होगा वो तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, ये लोग तुम्हारे समाज के व्यक्ति के। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था, इन्हीं लोगों ने माननीय साहब काशीराम का विरोध किया, और यही लोग बहन जी का विरोध करते हैं। और मैं खुल के कहता हूं अम्बेडकरवादी है भाई, और किसी के काबू में आने वाले नहीं हम लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सड़क जो है ना, ये सड़क दिखाई है बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय साहब काशीराम ने सड़क दिखाई है। हम संघर्ष के लोग हैं, इनकी औलादों की तरह ना हम फ्लैटों में पैदा नहीं होते, हम झुग्गी झोपड़ी गांव में पैदा होते हैं। हम लोग संघर्ष समझते हैं, हम बिसलरी का पानी नहीं पीते, हम तालाब का पानी पीने वाले लोग हैं। हम संघर्ष समझते हैं, इनकी औकात क्या है ये हमें जो है ना बाहर निकाल दें। दिल्ली में 2020 में दलित 2020 खेलेंगे इस केजरीवाल के साथ, मैं दिखाऊंगा इसकी औकात इसको दिल्ली की विधानसभा में। अगली बार केजरीवाल का एक भी कुत्ता नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और ठोके ना केजरीवाल मेरे माननीय का मुकदमा, और ठोके, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, करे मेरे माननीय का मुकदमा, करे ना। ये इन छुटभैया को क्यों भेजता है सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों, अरे ब्राह्मण कंप्लेंट सुन रहा है, कर रहा है, बढ़िया सुन रहा है, अरे दलित का चूड़े का फैसला हो रहा है, कमाल के लोग हैं यार। भी यही है, वकील भी यही है, सब कुछ यही है, और समाज की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं संदीप कुमार नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज की आवाज हूँ। एक उसकी कंप्लेंट पे सुल्तानपुरी के इतने 85,000 लोगों ने मुझे वोट दिया था, 65,000 लोगों ने जिता के भेजा था। ये कौन होते हैं सुल्तानपुरी का भविष्य तय करने वाले, और ये कौन होते हैं कि सुल्तानपुरी एक अनाथ रहे 5-6 महीने तक, उनको विधायक ना हमने। इनकी औकात दिखाएगी सुल्तानपुरी की जनता, आज बच्चा बच्चा मेरे साथ, हमने इतना विकास किया है। इनको डर लग गया, ये जो केजरीवाल है इनको डर लग गया कि ये आने वाला अम्बेडकरवादी है, ये हमारे लिए चैलेंज बन सकता है, इसको जल्दी से जल्दी हटाओ। अरे भाई हम बाबा साहब के बच्चे हैं, काशीराम की औलाद हैं, हम संघर्ष के रास्ते जानते हैं। जब संख्या अंदर नहीं होती ना, साहब काशीराम कहते थे सड़क पे इतनी संख्या ले आओ कि अंदर वाले घबरा जाए और ये बाहर उठ के आ जाए। इस केजरीवाल को चलाने दे संसद, चलाने दे इसको ये विधानसभा, मैं दिखाऊंगा इस दिल्ली की विधानसभा के बाद कितने सफाई कर्मचारी आएंगे, कितने टीचर आएंगे, कितने डीटीसी के हड़ताल के लोग आएंगे, इसको हम बताएंगे। ठाकुर साहब को, बनिया साहब को, बाणियों को ना, इनको हम बताएंगे कि वकालत क्या होती है। मैं वकील भी था पहले,
और अब अच्छा हुआ एमएलए रहते हुए वकालत नहीं कर सकते थे, अब अपने समाज की वकालत करेंगे और इस सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। ये जो 20-20 साल हमारे लोग कच्चे रखते हैं, हम बताएंगे इनकी औकात क्या है। तो केजरीवाल तुझे चैलेंज है भाई, अगर बेंजी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो तेरे सामने चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुझे इस दिल्ली की विधानसभा में भेज दे। हम देखेंगे, तुझे चैलेंज है एक्सेप्ट करना, और या तू आ जाना जहां मैं लड़ता हूँ, वहां जाना तू मेरे सामने लड़ना, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। हमारे बाबा साहब ने हमें एमएलए बनाया था, तुमने एमएलए नहीं बनाया। भारत के संविधान में वो सीट सुरक्षित है, तुम नहीं लड़ सकते, तुम आ जाना। अरे ऐसे छुटभैयों से हम डरने वाले नहीं है, कह देना इनसे जितने तुम्हारे कुत्ते हैं कि लगले जितना काम करना करो सुल्तानपुर में, जितनी मीटिंग आम आदमी पार्टी करे। मैं बताऊंगा इस आम आदमी पार्टी को, जो कब्जा कर लिया केजरीवाल ने, आम आदमी पूरे देश की पार्टी थी, इस केजरीवाल ने कब्जा कर ली और ये कुत्ते बिठा दिए अपने, जो आज जो है ना संविधान को दबाना चाहते हैं, आज जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो सारों से अपील है भाई, है ना, अगर अपनी औकात बनाना चाहते हो इस देश में तो बाबा साहब के विचारों पर चलो। ये रिश्तेदारी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको कहो कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, और जो नहीं देना वो रिश्तेदार नहीं तुम्हारा। अगर बाबा साहब रिश्तेदारी निभाते ना तो तुम्हारी औकात नहीं थी विधानसभा में वोट भी डालने। अगर कांशीराम रिश्तेदारी निभाता तुम्हारी औकात नहीं, तुम अच्छे कपड़े ही पहन लो। अगर आज बहन जी है किसी शक्ति के रूप में तो ये लोग डरते हैं, उसका नाम सुनते कांप जाते हैं, इनकी रूह कांप जाती है, तो ये डरते हैं, डरपोक लोग हैं। ये कभी खुल के सामना नहीं करेंगे आपका, ये ईवीएम के माध्यम से आए, ये सारे गड़बड़ लोग हैं, इनकी औकात नहीं है। 15% लोग, चंद मुट्ठी भर लोग, है ना, इनकी औकात नहीं है। हम 85% इस देश में। जिस दिन आपने ठान ली बाबा साहब की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन उनको समझो, उनके कहे पे चलो, उनकी बातें मानो और समाज को इस देश का हुक्मरान बनाओ। इस देश का चपड़ासी नहीं बनाना, चाय बेचने वाला नहीं बनाना, इस देश का हुक्मरान बनाना है। ये हमारे बाप दादाओं का देश है, इस देश को संविधान दिया हमारे बाप ने और उससे देश चलता है। आपको ठीक लगे तो भाई इस चीज में आगे बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक सांस है इस देश जीवन में, जब तक खून का एक कतरा है। ये बाबा साहब का दिया हुआ सम्मान है और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है। ये कौन होते मुझे हटाने वाले, मैंने इस्तीफा दे के आया हूँ, मान लो पकड़ो सड़ो, तुम्हारी औकात एक्सेप्ट करो। जय भीम, जय भारत, जय मानवर साहब का आशीर्वाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।